क्या आप ऑस्ट्रेलियन राज्य टैस्मेनिया के सब क्लास 190 स्किल्ड नॉमिनेटेड वीज़ा के हालिया अपडेट के बारे में जानते हैं? स्किल्ड नॉमिनेटेड वीज़ा सब क्लास 190 एक परमानेंट वीज़ा है जो आपको टैस्मेनिया में रहने और काम करने की इजाज़त देता है। इस वीज़ा के लिए टैस्मेनिया के नॉमिनेशन से आपके 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स, जो आपको एक स्किल्ड वीज़ा के लिए डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के रिक्वायर्ड 65 पॉइंट्स तक पहुंचने में मदद करेंगे। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको टैस्मेनियन सरकार द्वारा इस वीज़ा के लिए नॉमिनेट किया जाता है तो आपको वीज़ा दिए जाने के बाद 2 साल तक टैस्मेनिया में रहना होगा। स्टेट नॉमिनेशन और वीज़ा के लिए आपका एप्लीकेशन 2 अलग-अलग प्रोसेसेस हैं। आपके स्टेट नॉमिनेशन एप्लीकेशन का मूल्यांकन टैस्मेनियन सरकार द्वारा किया जाता है और वीज़ा एप्लीकेशन का मूल्यांकन डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स द्वारा किया जाता है। स्टेट नॉमिनेशन के एलिजिबल होने के लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स द्वारा निर्धारित रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है, जिसके लिए आपकी उम्र अभी तक 45 वर्ष से कम होनी चाहिए, एलिजिबल स्किल्ड ऑक्यूपेशंस की रेलेवेंट लिस्ट पर एक ऑक्यूपेशन नॉमिनेट किया गया हो, आपके पास नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन के लिए एक वैलिड और पॉजिटिव स्किल्स असेसमेंट और कम से कम कॉम्पिटेंट इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होना चाहिए और आपके डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की EOI प्रोफाइल में कम से कम 65 पॉइंट्स होने चाहिए। आप इन और अन्य रेलेवेंट आवश्यकताओं के बारे में ज्यादा डिटेल्ड जानकारी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर जा सकते हैं। और आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आपको स्टेट नॉमिनेशन के योग्य होने के लिए टैस्मेनियन गवर्नमेंट नॉमिनेशन की आवश्यकताओं को भी पूरा करना होगा। स्किल्ड माइग्रेशन टैस्मेनिया स्टेट नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करने के लिए स्किल्ड कैंडिडेट्स के लिए कई तरह के रास्ते प्रदान करता है और हर एक रास्ते में एक कैंडिडेट के लिए जरूरी आवश्यकताओं और विशेषताओं का स्पष्ट रूप से डिफाइंड सेट होता है। ऑस्ट्रेलियन सरकार हर साल स्टेट के लिए एक नॉमिनेशन कोटा निर्धारित करती है जो एलिजिबल नॉमिनेट किए जाने वाले कैंडिडेट्स की गिनती को लिमिटेड कर देता है। नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करने के लिए इनवाइट किए जाने के लिए केवल रजिस्ट्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट के सबसे ज्यादा कम्पेटिटिव कैंडिडेट्स को चुना जाता है। सब क्लास 491 स्किल्ड वर्क रीजनल प्रोविजनल वीजा के लिए नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स को भविष्य में परमानेंट सब क्लास 190 स्किल्ड नॉमिनेटेड वीजा के लिए नॉमिनेटेड नहीं किया जाएगा। सब क्लास 491 वीजा सब क्लास 191 परमानेंट रेजिडेंस स्किल्ड रीजनल वीजा के जरिए परमानेंट रेजिडेंसी का मार्ग प्रदान करता है। अगर आप या परिवार के किसी सदस्य को टैस्मेनियन सरकारी एजेंसियों को फीस देना है, जैसे कि एजुकेशन या हेल्थ के लिए लोन का भुगतान करना है या नॉमिनेशन की मांग करने से पहले पेमेंट की अरेंजमेंट्स की जानी है, तो उनका भुगतान पहले ही कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक लोन का भुगतान नहीं किया जाता है या एजेंसी द्वारा पेमेंट प्लान को स्वीकार नहीं किया जाता है, तब तक आप नॉमिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।